नमस्कार, साहित्य चक्के बुक कैफे के नई किताबें कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको उन पुस्तकों की प्राथमिक सूचना देना है जो पुस्तकें बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमें प्राप्त होती हैं। लेखक, पाठक और आलोचक अपनी पुस्तकें, अपने पसंद की पुस्तकें तो भेजते ही हैं, प्रकाशक भी अपने नए प्रकाशन की पुस्तकें हमें इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए भेजते हैं। आज सर्वभाषा ट्रस्ट का जो उपक्रम है सर्वभाषा प्रकाशन, उससे जो पुस्तकें हमें मिली हैं मैं उनकी आपको जानकारी दूंगा। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इस सप्ताह जो पुस्तकें भेजी हैं उनमें नैया डाल लहर में मांझी शशिकांत की यह पुस्तक हमें प्राप्त हुई है। दूसरी पुस्तक है अपना अपना मोक्ष, वाचस्पति वत्सल की यह पुस्तक है, यह हमें प्राप्त हुई है। तीसरी पुस्तक हमें प्राप्त हुई है दंड संहिता से न्याय संहिता तक, अंग्रेजी हुकूमत का संपूर्ण अंत। रुद्र विक्रम सिंह जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। अगली पुस्तक जो हमें प्राप्त हुई है उसका नाम है मुट्ठी भर आकाश, ये रविंद्रनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है। इसके अलावा जो पुस्तक प्राप्त हुई उसका नाम है प्रवासी अमृतांजलि, इसके संपादक जो है वह डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उदार हैं और चित्रा गुप्ता हैं। अगली पुस्तक जो हमें प्राप्त हुई है वह है कब होगी सुख की भोर, मास्टर कृष्णलाल के हरियाणवी भजन और रागनिया पर आधारित यह पुस्तक है, जिसका संकलन और संपादन ताराचंद नादान ने किया है। यह अपनी तरह की अनोखी पुस्तक होगी निश्चित रूप से, क्योंकि हरियाणा में भजन और रागनिया गाई जाती हैं। और अगली जो आखिरी पुस्तक है उसका नाम है पूर्वांचल नामाख्यान, स्थानों के नामकरण का इतिहास, डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे की यह पुस्तक है। आखिर किस तरह से पूर्वांचल में अलग अलग जगहों के नाम रखे गए, संभवतः यह पुस्तक उस पर विचार करती है। हो सकता है आने वाले समय में इनमें से कुछ पुस्तकों पर बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में आप मेरी राय सुन सकें। हर शनिवार और रविवार को मैं ठीक इसी जगह आपको नई किताबों के बारे में बताता हूँ ठीक इसी समय। इसके अलावा शाम को 4 बजे सोमवार से शनिवार तक विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूँ अपनी राय के साथ एक दिन एक किताब कार्यक्रम में, जिसमें शुक्रवार को कविता संग्रह की बात करता हूँ, शनिवार को अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय रखता हूँ और रविवार को आपके किसी प्रिय रचनाकार के साथ उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, या उनकी किसी चर्चित कृति पर शब्दरथी कार्यक्रम में बात करता हूँ। बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।